हरे कृष्णा गाइस, आई एम कौशल त्रिवेदी एंड आई एम अ फिटनेस कोच। एंड आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आया हूँ हरे कृष्णा मंदिर बाड़ सोलफुल संडे अटेंड करने के लिए। सोलफुल संडे ऑर्गेनाइज होता है फू के द्वारा, विच स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो एक यूथ क्लब है हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज का। तो आज की शाम बहुत ही भक्तिमय, आनंदमय और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी होने वाली है। सो लेट्स डाइव इनटू इट टुगेदर। श्री श्री राधा माधव के सुंदर दर्शन करने के बाद हम आ गए फोक डेस्क पे आज के सेशन के लिए रजिस्टर करने। हरे कृष्णा प्रभु। सोलफुल संडे की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत कीर्तन से। यहाँ सब लोग मिलकर भगवान का नाम लेते हैं और तब आप लिटरली कृष्णा की प्रेजेंस फील कर पाओगे। कीर्तन का ये पल बहुत ही स्पेशल होता है। भगवान का नाम गाते समय जो आप वाइब्रेशन फील करते हो वो आपको अंदर से एक अलग ही ब्लिस और हैप्पीनेस का एहसास करवाती है, और आप अपनी लाइफ की सारे परेशानियाँ भूल के जस्ट मन ही मन ऐसा ही बोलते हो कि काश ये कीर्तन कभी रुके ना। कीर्तन के बाद एक बहुत ही इंसाइटफुल सेशन होता है जो भगवद गीता के टीचिंग्स पे बेस्ड होता है। और ये सेशन में हमें यही बताया जाता है कि भगवद गीता का ज्ञान अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। सो भगवद गीता इज ट्रूली अ गाइड फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। इस इंसाइटफुल सेशन के बाद हम जाते हैं एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस के लिए, जो है श्री श्री राधा माधव की शयन आरती और पल्लकी उत्सव। इस पल में मुझे बहुत ही डीप कनेक्शन फील हुआ कृष्णा के साथ, और ऐसा लगा जैसे सालों से जो शांति और खुशी मैं ढूंढ रहा था वो मुझे अब मिली। तो जस्ट अभी जबरदस्त कीर्तन खत्म हुआ है और आपने देखा ही होगा कैसे एनर्जी थी, क्या वाइब्स थी। मैंने आज तक ऐसा कीर्तन कहीं नहीं किया। और अब यहाँ पे पार्टी खत्म नहीं होती, यहाँ पे तो पार्टी शुरू होती है क्योंकि अब मेरा फेवरेट पार्ट आ रहा है जो है प्रसादम। सो लेट्स गो। हरी बोल। हरे कृष्णा। तो आप देख सकते हो प्लेट में जगह नहीं रही, इतनी सारी मिठाइयाँ, इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए। तो अब मैं खाने जा रहा हूँ, और आपका मन हो तो आप भी आ जाओ नेक्स्ट संडे इवनिंग हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में सोलफुल संडे अटेंड करने के लिए। हरी बोल, हरी बोल।